नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। 1 मार्च से बदल जाएंगे आपके जीवन से जुड़े हुए कई ऐसे नियम। कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है। लगातार हो रहे परिवर्तन को ही हम एक नए बदलाव के रूप में देखते हैं। हमारा जीवन भी एक डिसिप्लिन के तहत चलता है, जिसमें हमें 24 घंटे के अंदर अपने एक दिन के पूरे दिनचर्या को पूरी करनी होती है। इसी तरह से हमारे पास 1 महीना है और 1 साल है। ऐसे में हर महीने कुछ न कुछ बदलाव देखने को मिलता है, जिसका संबंध देश के हर आम और खास लोगों के साथ होता है। ऐसे में आइए जानते हैं 1 मार्च से हमारे जीवन से जुड़ी हुई किन किन चीज़ों में बदलाव किया जा रहा है। सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस की कीमतों की समीक्षा करती है। हाल के दिनों में घरेलू रसोई गैस कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बाद सभी की नज़र 1 मार्च पर टिकी है। हर कोई यह जानना चाहता है कि तेल कंपनियां महंगाई का बोझ बढ़ाएगी और किसी तरह से राहत देगी। इसी तरह हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल के दामों की समीक्षा होती है। हाल के दिनों में इसके दामों में हुई बढ़ोतरी के बाद देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। देश के कई राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के ऊपर है। ऐसे में विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। फरवरी में तो गैस सिलेंडर के दामों में 75 रुपये की वृद्धि देखने को मिली है। गैस पेट्रोल के साथ ही कई अन्य विभाग हैं जहां 1 मार्च से हम कई नियमों में बदलाव देख सकते हैं। सबसे पहले बात बैंक में होने वाले बदलावों के बारे में। SBI ग्राहकों के लिए KYC करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। 1 मार्च से सभी SBI ग्राहकों को अपने KYC करवाना अनिवार्य होगा। जो ग्राहक यह काम नहीं करेंगे उनके खातों में सब्सिडी जैसी सरकारी योजनाओं की राशि जमा नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि SBI ने इसको लेकर पहले ही आदेश जारी कर दिया था। बैंकों से जुड़ा ही एक दूसरा अपडेट है। बताया जा रहा है कि 1 मार्च से इंडियन बैंक के ATM से 2,000 रुपये के नोट नहीं निकाल सकेंगे। हालांकि बैंक काउंटर से आप नोट हासिल कर सकते हैं। हालांकि बैंक ने अपने इस नियम में बदलाव के पीछे दिए तर्क में बताया है कि ATM से कैश निकालने के बाद ग्राहक 2,000 रुपये के नोट के बदले छोटे नोट लेने के लिए शाखाओं में आते हैं। बैंक ने बताया कि इससे बचने के लिए हमने ATM में तत्काल प्रभाव से 2,000 के नोट की लोडिंग करने से रोक लगा दिया है। बैंक के नियमों के बाद अब टोल प्लाजा के नियमों में बदलाव की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि टोल प्लाजा पर अब मुफ्त फास्टैग नहीं लगाएगा। आपको बता दें कि सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि 1 मार्च से ग्राहकों को टोल प्लाजा से फास्टैग खरीदने के लिए 100 रुपये देने होंगे। दरअसल फास्टैग को बढ़ावा देने के लिए NHI द्वारा अब तक टोल प्लाजा पर फ्री फास्टैग लगाया गया था। अब अगर आप बिना फास्टैग के टोल प्लाजा से पार होंगे तो आपको जुर्माना के साथ साथ 100 रुपये का फास्टैग लगाना होगा। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।